चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को कैर स्टडी में। मैं कमल बिस्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे आर्मी कलर का मैथमेटिक्स का यहाँ पर मॉडल प्रिपेयर कराऊंगा दोस्तों, जिसके अंदर हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना है। यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर अलग अलग टॉपिक यहाँ पर लिए हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हमारे जो आर्मी कलर का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर टॉपिक आते हैं, जिसके अंदर हमारे अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा मैथमेटिक भी है और हमारे इंग्लिश का, कंप्यूटर का और जीके जीएस भी आती है। तो हम यहाँ पर पिछले भी कई वीडियोज़ बना चुके हैं और हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के हैं और इनमें यूज होने वाले फॉर्मूले और ट्रिक आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपने आगामी परीक्षाओं में आने पर आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है 425 और इसकी घात यहाँ पर है 278 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए 425 और पावर में है 278, इसका हमें बताना है यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, टेंस हमारा क्या होगा, टेंस बताना है आपको यहाँ पे। देखिए जब भी आपको इकाई अंक बताना पड़ता है तो आपको यहाँ पर लास्ट वाली डिजिट को देखना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर 425 है, 425 में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या काम होगा हमारा, जो लास्ट वाली डिजिट है यहाँ पर, लास्ट वाला हमारा अंक है यहाँ पर, इकाई का अंक है, हम वो देख लेंगे अंदर यहाँ पर जो ब्रैकेट में यहाँ पर है। तो यहाँ दिख रहा है हमें 5 दिख रहा है। देखिए अब एक चीज़ है, जो 5 होता है, 5 की घात हम कितनी ही कर दें लेकिन बार बार इसका जो इकाई वाला अंक आएगा वो 5 ही आता है। जैसे आप 1 बार करेंगे तो 5 आ गया, 2 बार करेंगे तो 25 तब भी 5 आएगा, 3 बार करेंगे 125 तब भी 5 ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 की घात आप कितनी ही करें, भले ही वो इवन हो या पावर या ऑड हो, अर्थात सम हो या विषम हो, हर एक केस में हमारा क्या आता है, 5 ही मिलता है हमें। तो इसलिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब 0 आता है, 0 हो गया और 5 हो गया और 1 हो गया और 6 हो गया, जब ये 4 यहाँ पर नंबर मिलते हैं हमें लास्ट में, ब्रैकेट में जो नंबर दिया होगा, जो भी यहाँ पर अंक दिया होगा, यदि उसके अंत में यहाँ पर एंड में 4 नंबर आते हैं, 0, 5, 1, 6, आप याद रख सकते हैं यहाँ पर 0, 156 करके, ये लास्ट वाले नंबर यदि मिलते हैं आपको तो इनके केस में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। देखिए 6 का आप वर्ग करेंगे या घात करेंगे या फिर चौथी घात करेंगे तो हर एक केस में आपको 6 ही मिलेगा, और 5 का भी वही है और 1 का भी वही है और 0 का भी वही है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता इकाई के अंक में। तो इनको आपको याद रखना है, काफ़ी बार यही पूछ लिए जाते हैं और बड़ी आसानी से कर लिए जाते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये हमारा अंडर रूट वाले जो हमने यहाँ पर पिछले वीडियोज़ में कराए भी थे कुछ क्वेश्चन, हमने इनके प्रकार बताए थे आपको, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल उसी का है। देखिए यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हमें दिया है 17 प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर 17 प्लस, फिर अंडर रूट के अंदर 17 प्लस डैश करके यहाँ पर अनंत तक। अब देखिए इनको करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इनको n और n प्लस 1 के फॉर्म में फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइज मतलब इनके खंड करने पड़ते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर 17 के ऐसे खंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी क्या है, 17 एक अभाज्य है, एक यहाँ पर अभाज्य संख्या है, तो इसलिए आप इसके n प्लस 1 के फॉर्म में खंड यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या बताया था हमने, एक ट्रिक बताई थी यहाँ पर, अंडर रूट के अंदर 4a प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 1 कर देते हैं आप, कब, जब यहाँ पर प्लस होता है, जब यहाँ पर प्लस होता है उस केस में आप यहाँ पर प्लस 1 करते हैं और अपॉन के अंदर 2 आता है यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज़ में आता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, विदाउट इसके आप यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर देखिए जो ए हमारा है, ए हमारे यहाँ पर जो हमारा नंबर यहाँ पर जो भी होगा रिपीट हो रहा होगा वो हमारा ए होगा, अर्थात इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप अंडर रूट के अंदर ए प्लस अंडर रूट के अंदर ए प्लस अंडर रूट के अंदर ए और डैश करके इन्फाइनाइट तक, ये फॉर्म आप रख सकते हैं। तो ए बराबर यहाँ पर हमारा है 17, 17, ये हो जाएगा। अब आप फॉर्मूले में रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 4 × 17 प्लस 1 और प्लस यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा आपका है और अपॉन 2 है, तो इनको आप सॉल्व कर देंगे। देखिए 68 प्लस 1 यहाँ पर अंदर यहाँ पर 69 हो गया, 69 और प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आपका यहाँ पर दिख रहा आंसर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 69 प्लस 1 अपॉन 2, तो सी वाला यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है दोस्तों। इनके जो भी अलग अलग टाइप हैं हम पिछले यहाँ पे अपने नंबर सिस्टम वाली वीडियो में बता चुके हैं, इनके जो हमारे मेन यहाँ पे 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप के यहाँ पे, जिनको हम अलग अलग टाइप को बता चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उनको, ताकि आपको अदर जो हमारे टाइप हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे है, जो हमारा यहाँ पे मासिक आय पर डिपेंड करता है। ए तथा ए बी तथा सी की मासिक आयों का औसत 40,000 रुपया है और बी सी तथा डी की मासिक आयों का औसत 50,000 रुपया है। यदि डी की मासिक आय 60,000 रुपया है तो ए की मासिक आय क्या होगी। देखिए आपको यहाँ पर मंथली इनकी इनकम दी है आपको ए बी सी और डी की, अलग अलग यहाँ पर एक बार ए बी सी की दी है, एक बार बी सी डी की दी है, इनकी इनकम दी है और इनका जो इनकम का एवरेज यहाँ पर आपको दिया है। और फाइनली आपको यहाँ पर डी की इनकम यहाँ पर दी है, मंथली इनकम दी है अलग से, और आपको बतानी है ए की इनकम क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब आपका पहली बार में ए बी और सी की दी हो और दूसरी बार में बी सी और डी की दी हो, तब आप यहाँ पर ए की निकाल सकते हैं। ए की आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको डी की अलग से दी है, आप इनकी टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम निकाल के जब डी को आप घटा देंगे इसमें से तो आपका बी और सी बच जाएगा, और जब आप बी और सी को यहाँ से निकाल देंगे, घटा देंगे, तो आपका केवल ए बचेगा। तो पहले आपको निकालनी है टोटल ए बी सी की जो आय है, कुल आय यहाँ पे। देखिए कुल आय निकालने के लिए क्या करते हैं आप, औसत औसत में गुणा कर देते हैं जितने भी लोगों की आय है, तीन लोग हैं, तीन लोगों की आय यहाँ पर तीन से गुणा कर देंगे, टोटल आय कितनी है 40 है, तो 40 गुणा 40,000 गुणा तीन किया आपने तो 120,000 हो गया यहाँ पे, ये 120,000 हो गया। और वैसे ही आपने यहाँ पे इनकी कुल आय निकाल ली, कुल आय कितनी हो जाएगी, यदि 3 गुणा 50,000 यहाँ पे बराबर 150,000, 150,000 यहाँ पे, तो ये इन दोनों की यहाँ पे कुल आय आ गई। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको केवल ए की आय चाहिए, तो ए की आय निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बी और सी की आय पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप बी और सी की आय को घटा देंगे यहाँ से तो आपको ए की आय निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, डी को निकाल लेंगे यहाँ पे, ए यहाँ पे बी सी और डी की कुल आय यहाँ पे 150 है, यदि आप यहाँ पे डी की आय को निकाल दें तो आपको केवल बी और सी की आय बचेगी, तो बी सी की आय जो की आय होगी वो क्या होगी, बराबर बी सी डी की माइनस डी की हो जाएगी। तो यहाँ पे बी सी डी की आप आपको 150 है 1000 और माइनस आप कर देंगे 60,000, तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको 90,000, तो ये 90,000 यहाँ पे बी और सी की आय आ गई, बी और सी की आय यहाँ पे 90,000 है। अब देखिए आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं, 90,000 आपको पता लगी बी और सी की, अब आप ए बी सी में से जब घटा देंगे 90,000 को तब आपको केवल ए की आय मिल जाएगी, तो ए की आय क्या हो जाएगी, ए की आय बराबर जो है ए बी सी की आय माइनस बी सी की आय, तो ये कर लेंगे आप तो आपको यहाँ पे ए की आय मिल जाएगी और ये हमारी आ जाएगी 120,000 माइनस 90,000 बराबर ये आपका आ जाएगा 30,000, 30,000 यहाँ पर रुपया हमारे यहाँ पर आ जाएगी केवल ए की आय। तो ए की जो मासिक आय है वो हमारे यहाँ पर 30,000 रुपया है, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको करना है दोस्तों, आपको याद रखना है जब भी आपके औसत वाले आते हैं उनमें आपको कुल निकालना पड़ता है, यदि आपको टोटल निकालना पड़े या आपको नंबर निकालने पड़े कितनों की है तो आपको यहाँ फॉर्मूला आना चाहिए, जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू हमारा एस अपॉन ए एन होता है, जहाँ हमारा एस क्या है, सम है, सम अर्थात सभी का योग, जैसे हमने यहाँ पर कुल निकाला तो यहाँ पर हमने एस ही निकाला और ए हमारा एवरेज है, एन हमारा उनकी संख्या आंकड़ों की संख्या, जैसे हमारे यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी थी, 3 थी, तो हमने यहाँ पर एस निकाला था, एच बराबर कितना हो जाएगा एन गुणा ए, यही फॉर्मूला हमारा दो फॉर्मूले अदर निकालता है यहाँ पर, एच बराबर एन गुणा ए और एन बराबर एस अपॉन ए, तो इसी का आप यूज करते हैं हर जब भी आपको एवरेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ टोटल निकाला आपने और टोटल निकाल के इजीली निकाल लिया। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे है साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8% साधारण ब्याज की दर से समान राशि वाले दो ऋण क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए लिए। अब देखिए एक व्यक्ति ने 8% आपको रेट दिया, दर दिया यहाँ पे आर बराबर 8%, और यहाँ पे दिया है दोनों मतलब समान राशियाँ ली, अर्थात जो धन पहली बार में लिया वही धन दूसरी बार में भी लिया और 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए, अलग अलग यहाँ पर टाइम यहाँ पर दिया है, T1 इक्वल टू आपका यहाँ पर है 2 और T2 इक्वल टू 3 है। और देखिए यदि ऋणों का अंतर यहाँ पर 560 है तो प्रत्येक ऋण राशि क्या होगी। अब देखिए दोनों का अंतर यहाँ पर दिया है, जब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब आपको यहाँ पर समयों में अंतर 1 हो, यहाँ पर देखिए T2 और T1 यहाँ पर 2 यहाँ पर दिए हैं ईयर, इन दोनों में अंतर 1 है, 3 - 2 करते हैं तो 1 आता है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर यदि ऋणों में अंतर दिया हो और आपको दर दी हो तो आप बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं जो हमारा प्राइमरी जो अमाउंट था, जो प्रारंभिक राशि थी वो क्या थी।
अब आपको यहाँ पर बतानी है प्रारंभिक राशि, जो ऋण की यहाँ पर राशि थी जो ली थी उसने वो कितनी है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, जो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज का जो हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए वो हमारा होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए जो हमारे यहाँ पर पी है, पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारा प्रारंभिक राशि है जो हमें यहाँ पर निकालनी है, आर हमारी दर है और टी हमारी समय है, और बट्टे 100। अब देखिए यहाँ पर आपको दो समय दिए हैं। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता लग गया, अब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए दोनों का अंतर आपको दिया है, दो साधारण ब्याज हैं। पहला वाला ये हो गया, मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको पता लग गया। पहले वाले में आपका यहाँ पर पी आर टी वन आएगा, या आप टी टू ले लें क्योंकि टी टू आपका बड़ा है, तो टी टू पहले लिया आपने। पी आर टी टू माइनस अपॉन 100 हो गया, माइनस पी आर टी वन अपॉन 100। दोनों यहाँ पे साधारण ब्याज आ गया आपके, ये आपका पहले के लिए आ गया, ये दूसरे के लिए आ गया। बराबर कितना दिया आपको अंतर, यहाँ पे 560 दिया है आपने, इसी का प्रयोग किया यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिया है। अब देखिए जो आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए आप, जो यहाँ पे उभयनिष्ठ मिल रहा है पी आर बट्टे 100। देखिए पी आर बट्टे 100 दोनों में है, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा पी आर बट्टे 100 यहाँ पर आ जाएगा। तो टी टू माइनस टी वन और इक्वल टू 560। देखिए टी टू माइनस टी वन क्या है आपका, टी टू माइनस टी वन यहाँ पे 3 माइनस 2 अर्थात पी आर अपॉन 100, यहाँ पे 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू 560। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पर 100 है वो यहाँ चला जाएगा, तो इधर हमारा बचेगा केवल आप। आपको यहाँ पर आर भी दिया, तो आर की वैल्यू आप रख देंगे पी इंटू आर, आपको 8 दिया है, और जो 100 है यहाँ पर उधर चला जाएगा उधर गुणा करके, और यहाँ जाके गुणा करेगा 560 गुणा 100। और देखिए जो हमारा 8 है, 8 है यहाँ पर, 8 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, पी बराबर 560 और इंटू 100 अपॉन 8, क्योंकि यहाँ गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करने लगेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो आ जाएगा, देखिए 8 से हमारा कट रहा है, 8 7 56 7 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया हमारा 7000। तो 7000 यहाँ पर आ गया हमारा पी। पी जो हमारा था प्रिंसिपल अमाउंट, जो राशि थी वो हमारी 7000 रुपया आ गई यहाँ पे। अर्थात जो उसने यहाँ पर दो राशियाँ ली होंगी, प्रत्येक बतानी थी, प्रत्येक मतलब एक, दोनों बराबर हैं दो, यहाँ पर उसने 7 7000 के यहाँ पर लोन लिए थे, 7000 के दो यहाँ पर लोन लिए थे उसने 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए। तो ये आपको पता लग गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे हमने यहाँ पे जैसा क्वेश्चन यहाँ पर कहा वैसे हमने किया और इजीली यहाँ पर निकल गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक श्रृंखला दी है, एक सीरीज दी है, जिसमें हमारे यहाँ पर हमें सरल करके बताना क्या आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर श्रृंखला है, इसके आधार पर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 4, 1 माइनस 1 अपॉन 5, डेड डैश करके 1 माइनस 1 अपॉन 100 तक आपको यहाँ पर बताना है इसका बराबर क्या होगा। देखिए जब भी आपको ये श्रृंखला मिलती है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इन ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर देंगे। ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो क्या आएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन 2 करके 1 अपॉन 2 आएगा। और अगला वैसे ही करेंगे आप, 1 माइनस 1 अपॉन 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 2 अपॉन 3, वैसे ही अगला वाला आपको मिलेगा 3 अपॉन 4, अगला मिलेगा आपको 4 अपॉन 5, और डैड डैश करके फाइनली यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 100 वाला क्या मिलेगा, 99 अपॉन 100। अब आप गौर से देखिए इनको, यहाँ पे देखिए आपके 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3 और एक गुणा हो रहे। देखिए अब देखिए जो हमारे यहाँ पर अंश है और ये हर है, ये नॉमिनेटर है डिनोमिनेटर है। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर से पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है दूसरे वाले के नॉमिनेटर को काट दे रहा है, ये हर यहाँ पर ये अंश को काटता है, और यहाँ पे देखिए हर यहाँ पर अंशों को काटता है, तो लगातार काटता जाएगा, ये कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, और इस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहेगी। कब तक, जब तक यहाँ पे हमें लास्ट वाला टर्म नहीं मिलता। यहाँ पर भी 99 नीचे आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ऊपर आएगा हमारा 98 आएगा और नीचे 99 आएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो पूरे कट गए। केवल यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले का हर अंश यहाँ पर और लास्ट वाले का हर हमें मिलेगा, पहले वाले टर्म का नोमिनेटर है यहाँ पे और लास्ट वाले टर्म का डिनोमिनेटर हमें यहाँ पे मिलता है। ये आपको ये ट्रिक याद रखनी है जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले वाले का जो भी आपका
अंश में है और लास्ट वाले का हर है वो आप लिख देंगे, डायरेक्टली आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इतना आपको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है ये श्रृंखला वही है, कहीं आप दूसरे वाले में ना लगा दें, तो ये आपको ध्यान देना है। एन अपॉन डी यहाँ पर हमारा जाएगा, एन हमारा पहली बार में 1 है यहाँ पर पहले वाले में, और डी हमारे यहाँ फाइनल वाले में 100 है, 100। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया यहाँ पर 1/100 यहाँ पर आ गया। तो देखिए इतनी ईजिली आपने यहाँ पर निकाल लिया, केवल यहाँ पर आइडेंटिटी करनी है आपको कि हमारी श्रृंखला कौन सी वाली है, तो वो 1/100 यहाँ पर आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पर हमारे, जो काफ़ी बार पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना रहती है। इन क्वेश्चनों को आप देखेंगे ध्यानपूर्वक और इस तरह के क्वेश्चनों की आप तैयारी करेंगे, और इन क्वेश्चनों में उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। यदि आपको समझ में ना आए हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर सकते हैं, और यदि रिहर्सल के दौरान जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन अपने अगले वीडियोज़ में बताएंगे दोस्तों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स।